हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का चैप्टर 3 इक्वालिटी, समानता। तो समानता से मिलता जुलता चैप्टर हम अपना लास्ट जो सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस किया था, फ्रीडम, स्वतंत्रता। क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी आप ये बुक पढ़ रहे हो, आपकी इस बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसके हम अलग अलग डायमेंशंस पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। कौन कौन से हम उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, कौन कौन से हमारे वेव्स होते हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी को मिलकर बनाते हैं, तो उसमें उसी लाइन में हमने सबसे पहले फ्रीडम को पढ़ा, स्वतंत्रता वाला चैप्टर हमने पहले डिस्कस किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वलिटी, समानता। फर्स्टली मीनिंग एंड करेक्टर्स के टाइप ऑफ इक्वलिटी हम इसमें पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी, इन इक्वलिटी भी पढ़ेंगे, वेज टू प्रमोट इक्वलिटी एंड एफर्मेटिव एक्शन, दीज आर द सब टॉपिक ऑफ टूडेज चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग, इक्वलिटी डज नॉट मीन इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, ट्रीटिंग ऑल इक्वलिटी इज इम्प्रैक्टिकल एंड बिकॉज पीपल आर बोर्न विद डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ हेड, हार्ट एंड बॉडी। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि समानता है क्या। हमारा मतलब समानता, देखो बेटा, अलग अलग इसके अफर्मेटिव होते हैं समानता के, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन होते हैं। तो हम कहें कि सबको एक जैसी इक्वलिटी, सबको एक जैसा बना दो, इक्वल ट्रीटमेंट दे दो, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सारे जो हैं अलग अलग अपने गुणों को लेकर, अलग अलग अपने फीचर्स को लेकर, अवगुणों को लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है। सबके कुछ ना कुछ जो है मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं, तो सबको एक जैसा ट्रीट करना ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो लोग हैं वो अलग अलग, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेड, हार्ट एंड बॉडी, यानी बॉडी स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है, ठीक है, माइंड सबका अलग होता है, हार्ट यानी दिल सबका अलग अलग होता है। ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वलिटी इज दैट एवरी वन इन द सोसाइटी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। तो इस तरह एक जो मीनिंग हमारे स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने निकाला है कि इसका असली मीनिंग क्या है इक्वलिटी का, कि हमारे समाज में रहते हुए हर किसी को, ठीक है, हर किसी को एक जैसे मौके मिले ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके, अपना विकास कर सके, जो गुण उसके अंदर है, जो एबिलिटी, योग्यता उसके अंदर है, उसको वो बाहर निकाल सके। तो ऐसे अवसर हर किसी को मिलने चाहिए, इसको हम इक्वलिटी कह सकते हैं, इसको हम समानता कह सकते हैं। इट आल्सो इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, हाउएवर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड ऑन जस्ट एंड लॉजिकल ग्राउंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब इसमें हम कहेंगे कि प्रिविलेज यानी मौके, ऐसे अवसर जो हैं उनको मिलना जो सोसाइटी में वीक सेक्शन है, यानी जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अगर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, उनको अगर रिजर्वेशन दिया जाए। फॉर एग्जांपल, आप सबको पता है हमारे यहाँ जो एससी कास्ट, एसटी कास्ट हैं और बैकवर्ड क्लासेस हैं, बीसी क्लासेस हैं, उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है स्कूल कॉलेजेस में, जॉब में, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, सरकारी नौकरियाँ, यानी हर जगह उनको कुछ ना कुछ आरक्षण दिया हुआ है, रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो अगर वो हम अपनी सोसाइटी के वीक सेक्शन को उनके डेवलप करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए देते हैं, तो वो इनइक्वलिटी नहीं है, उसे हम असमानता नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, यानी समानता के प्रकार। अब कौन कौन सी समानता है जो हम समाज में चाहते हैं, सोशल इक्वलिटी, सिविल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी सामाजिक समानता, नागरिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता। तो ये चार तरह की समानताएँ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी रेफर्स टू नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। सामाजिक समानता क्या होती है, यानी सामाजिक समानता वो है कि भेदभाव ना किया जाए, नॉन डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है, किसी की भी साथ भेदभाव ना किया जाए। किसके आधार पर? उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, या कहाँ उसका जन्म हुआ है उसके आधार पर। तो ऐसा जो है, ये एक समानता जो है सबको मिलनी चाहिए कि उनके साथ ऐसी असमानता ना बरती जाए, ऐसा भेदभाव ना किया जाए कि आप तो इस जाति के हो तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता का अधिकार। अब क्योंकि आप मुसलमान हो तो आपको स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन अब कोई पर्टिकुलरली आप हिंदू हो तो आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, दिस इज़ नॉट फेयर, ये फेयर नहीं है। तो सोशल इक्वलिटी कि समाज में सबको समान रूप से देखा जाए, किसी तरह का उनमें भेदभाव जो है वो ना किया जाए, ठीक है। उदाहरण के लिए अनटचेबिलिटी, हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो अनटचेबिलिटी कितने पुराने टाइम से हमारे भारत में रही है, बहुत लंबे समय तक रही है, छुआछूत,
अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत, एंड अपार्थिड आर मेजर ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ सोशल इक्वलिटी. अपार्थिड होती है रंग भेद की नीति, जो कि हम दक्षिण अफ्रीका का हम अपने पहले जो है फ्रीडम वाले चैप्टर में इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पर रंग भेद की नीति अपनाई जाती थी, काले और गोरों में भेदभाव, उसको कहते हैं अपार्थिड पॉलिसी. अनटचेबिलिटी हम अपने देश का उदाहरण ले सकते हैं, यहाँ पर छुआछूत यानी कुछ विशेष किस्म के विशेष जाति के जो लोग थे जिनको कि उनका छूना उनका देखना भी पाप समझा जाता था, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता था. लेकिन उसको हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट बनाकर उसको डिसेबल कर दिया गया था, यानी उसको हटा दिया गया था, ठीक है. नेक्स्ट है जी सिविल इक्वलिटी यानी नागरिक स्वतंत्रता, नागरिक समानता. सिविल इक्वलिटी मीन्स अवेबिलिटी ऑफ सिविल राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू ऑल द पीपल टू लीड अ डिसेंट सिविल लाइफ, यानी सभी नागरिकों को एक जैसे अधिकार देना बिना किसी भेदभाव के. सिविल राइट यानी वो किसी देश का नागरिक है, मान लीजिए हम भारत के नागरिक हैं तो हमको यहाँ की नागरिकता के जितने भी अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में लिखे हुए हैं वो सारे हमें मिलने चाहिए. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स वेरियस सिविल राइट्स टू द पीपल ऑफ एस्टेब्लिश सिविल इक्वलिटी. हमारा जो संविधान है भारत का उसमें नागरिक समानता सबको दी गई है, लेकिन अगर हमारे साथ जाति के आधार पर रंग के आधार पर हमसे भेदभाव किया जाता है कि आप इस जाति के हो तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है. यानी जितने भी सिविल राइट्स हमें लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19वें अनुच्छेद की अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने की स्वतंत्रता अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता जो है 19वें अनुच्छेद में दी गई है. लेकिन अगर जाति के आधार पर हमें वो नहीं दी जाती, ठीक है, कि आप मुस्लिम हो आपको नहीं दी जाती, आप हिंदू हो आपको दी जाती है, आप बौद्ध हो तो आपको दी जाती है, ऐसा नहीं है, वो सबको इक्वल रूप से मिले, दिस इज कॉल्ड सिविल इक्वलिटी. ऑल द सिविल राइट शुड बी गिवन इंडियन सिटीजन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट है भाई इकोनॉमिक इक्वलिटी यानी कि आर्थिक समानता. आर्थिक रूप से सबको किसी भी समाज में आर्थिक रूप से सबको अपने अपने कमाई के साधन अपना अपना काम करने की स्वतंत्रता हो, इसे ही हम इकोनॉमिक इक्वलिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इक्वलिटी रेफर्स टू द फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर, यानी हमें अच्छे से खाना मिले, हमें कपड़े मिले पहनने के लिए, हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिले किसी भी सोसाइटी में, इतना करने का अधिकार हमारे पास हो तो इट मींस उस सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वलिटी है, आर्थिक समानता है, ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑनरेबल कंडीशन ऑफ वर्क यानी कि जहां हम काम करते हैं वहां कंडीशंस हमें अच्छी मिले काम करने की. पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन आर मेजर हाइंड्रेंस इन द वे ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी. अब इसमें बाधाएं क्या हैं, ठीक है, बेरोजगारी जब बढ़ जाती है और आर्थिक शोषण जब बढ़ जाता है. आर्थिक शोषण क्या होता है बेटा, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन मीन्स काम तो आपसे ज़्यादा करवाया जा रहा है, ठीक है, आपके जो वर्क आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसके बदले जो पे स्केल है वो आपको बहुत कम मिल रहा है. द सोशलिस्ट थिंकर्स हैज स्पॉटेड द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी, हमारे जितने भी बड़े बड़े विद्वान रहे हैं उन्होंने आर्थिक समानता को बहुत ज़रूरी बताया है. नेक्स्ट है पॉलिटिकल इक्वलिटी. पॉलिटिकल इक्वलिटी मीन्स ग्रांट ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल द सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी सबको राजनीतिक अधिकार मिले, सबको वोट डालने का अधिकार मिले, सबको इलेक्शन में चुनाव में खड़े होने का अधिकार मिले, ठीक है, यानी हम अपनी मर्जी से अपने नेताओं को चुन सकें, हम अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, तो ये हमारे पॉलिटिकल राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए हैं और ये बिना किसी भेदभाव के हमें मिलने चाहिए, ठीक है. सो लाइक दिस पॉलिटिकल इक्वलिटी इज द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम. अगर आप किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल इंडिया की हम बात करें, यूएसए की बात करें, जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन को अपनाया गया है, पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाया गया है, तो वहाँ तो पॉलिटिकल इक्वलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है. राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज करना यानी आलोचना करना, हमें अधिकार हो कि हम सरकार की आलोचना भी कर सकें, अगर सरकार गलत कर रही है, ठीक है, वो सही पॉलिसीज नहीं बना रही है तो उसकी क्रिटिसाइज उसको करना, आलोचना करना भी हमारा जो है पॉलिटिकल राइट है. पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो इसी से आएगी, ठीक है. नेक्स्ट इज वेज टू प्रमोट इक्वलिटी.
यानी कौन कौन से वेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं कि हम इक्वलिटी को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी में ला सकते हैं, ठीक है। एंडिंग ऑफ फार्मर सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी एंड प्रिविलेज, यानी अब जो फॉर्मर सिस्टम है इनइक्वलिटी का, जो इतनी सारी असमानता है, यानी आपने जो है करप्शन सुना होगा कि हमारी सोसाइटी में करप्शन बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, नौकरियों के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं, अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरियाँ चाहिए, बेशक हम एबल हैं, हम में एबिलिटी है, हमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो पैसे भरने पड़ेंगे, आपने सुना होगा, तो इसे कहते हैं सोशल इनइक्वलिटी, ठीक है। इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। टू इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ, दैट इज़ इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून का शासन होना बहुत ज़रूरी है। अब कहने के लिए संविधान में बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कानून का शासन बनाया गया है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कितना होता है ये हम सब जानते हैं, हमें पता है कि इम्प्लीमेंटेशन में उसको जो है एक लागू करने में बहुत कमियाँ हैं, जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है। टू इस्टेब्लिश जेंडर इक्वलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एंड सर्विस टू द पीपल, जेंडर यानी लिंग के आधार पर, यानी औरत और आदमी का भेदभाव। अब औरतें उसी काम को कर रही हैं तो उन्हें कम पे स्केल दिया जा रहा है, लेकिन आदमी उसी काम को कर रहे हैं उतने ही टाइम में तो उनको ज़्यादा पे स्केल दिया जा रहा है, दिस इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक भेदभाव है कि जेंडर के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। प्रोविजन ऑफ एफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम शुड बी इन फेवर ऑफ द वीकर ऑफ सोसाइटी, यानी जितने गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, जो एक्शन वो कर रही है हमारी सरकार, जो भी काम करती है, उसे ध्यान रखना चाहिए कि जो वीकर सेक्शन है, जो हमारे समाज का कमज़ोर वर्ग है, उसके लिए उसको कितना फ़ायदा उसका पहुँचा है। ऐसा तो नहीं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, बड़ी कास्ट के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को सारे लाभ मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एफर्मेटिव एक्शन को गवर्नमेंट को टाइम टाइम पर जो है चेक करते रहना चाहिए। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी अब जितने भी गवर्नमेंट प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, हमारे संविधान में जितने भी जो है काम लिखे हुए हैं कि सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट, ऊपर उठाने के लिए, इसका विकास करने के लिए जो काम होने चाहिए वो लागू नहीं हो पा रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को चेक करना है कि वो लागू कर सकें। नेक्स्ट इज अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन सफर्ड फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन फॉर लॉन्ग, दे आर सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली लॉन्ग बिहाइंड, देयर फॉर अ नंबर ऑफ मेजर्स लाइक द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन हैज़ बिन अडॉप्टेड। एफर्मेटिव एक्शन यानी अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्शन लिए हैं, यानी मौजूदा सरकार की हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे एक्शन हैं जो गवर्नमेंट, जो सरकार है वो ले चुकी है और उसका कितना फ़ायदा हमारी सोसाइटी को हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, रिजर्वेशन सिस्टम फॉर SC ST बैकवर्ड क्लासेज एंड नेशनल कमीशन ऑफ मिनोरिटी एक्सेट्रा आर सपोर्टिव टू अचीविंग द गोल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। एट द सेम टाइम देर आर प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप एंड फॉर फैसिलिटी लाइब्रेरीज। Actions also include reservation of directive principal policy, reservation has been adopted, the establishment of natural commission of SC ST backward classes। तो आपको पता होगा कि हमारे समाज में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो SC ST शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उनके लिए कुछ जो है रिजर्वेशन रखे गए हैं, तो ये ज़रूरी है, ठीक है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी जिसे हम कहते हैं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, DPS जिन्हें हम कहते हैं, तो ऐसे कुछ अफर्मेटिव एक्शन हैं जो हमारी सरकार ने लिए हैं और ये हमारे समाज को जो है एक्सेप्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर हमें डेवलपमेंट करना है। अफर्मेटिव एक्शन आल्सो इंक्लूड रिजर्विंग सीट इन वेरियस लेजिस्लेचर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब, जितनी भी सरकारी नौकरियाँ हैं, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, सरकारी संस्थान हैं, तो उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है और उसको एक्सेप्ट किसी भी समाज को करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट ये जो एफर्मेटिव एक्शन ले रही है वो हम अच्छे से अपने समाज में इम्प्लीमेंट कर सकें, लागू कर सकें, ठीक है। सोशल इक्वलिटी फेवर्स अ सोशल ऑर्डर विच इनकरेज इंटरमिक्सिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड राइट टू इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन एज अ फंडामेंटल राइट, अनटचेबिलिटी एंड अपार्थिड आर मेजर ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ सोशल इक्वलिटी। अब सोशल इक्वलिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, संविधान के जरिए लाया तो गया है, लेकिन वो कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ है वो सरकार को टाइम टाइम पर चेक कर लेना चाहिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं,
वो कहाँ तक हमारे समाज में फॉलो हो रही हैं, उन्हें हमें चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद है देर आर फोर मेजर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। अब इक्वालिटीज़ तो हमने पढ़ ली, ऐसे ही इनइक्वालिटीज़ यानी असमानताएँ भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल इनइक्वालिटी, नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से असमानता। अब सारे समान रूप से पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, सबका एबिलिटी योग्यता सब में अलग अलग होती है, सबका फिजिकल अपीयरेंस अलग होता है, देखने में सब अलग होते हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत वीक है जन्म के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इक्वलिटी, मीन्स अमीर और गरीब। आपने देखा होगा समाज में कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो हम इसे इकोनॉमिक इनइक्वलिटी कहते हैं, यानी आर्थिक असमानता। ये भी असमानता का एक रूप है, सेम एज इक्वलिटी जैसे हमने पढ़ी थी। पॉलिटिकल इनइक्वलिटी यानी राजनीतिक असमानता, रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल राइट और डिस्क्रिमिनेटरी एलोकेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। किसी भी देश को जब राजनीतिक अधिकार समान रूप से नहीं दिए जाते तो उसे हम कहेंगे कि ये राजनीतिक असमानता यहाँ पर फैली हुई है, ठीक है। क्योंकि हम जो है वोटिंग करते हैं तो वो भी हम लोगों को देख कर करते हैं, कौन कितना ज़्यादा अमीर है या कौन किस कास्ट का है, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, ठीक है। तो अब ये जो है इतना सारा भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त है, इसको दूर करने के लिए ही इक्वलिटी को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एफर्मेटिव एक्शन, लास्ट इज एफर्मेटिव एक्शन रेफर्स टू द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऑफ फोर्सिंग मेंबर ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप इन इंडियाज लर्टन सेक्शन ऑफ सोसाइटी लाइक एससी एसटी ओबीसी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे समाज में ये जो इनइक्वलिटीज़ हैं इनको ख़त्म करने के लिए हमारी सरकार ने भी बहुत सारे एक्शंस क्रिएट किए हैं, जो कि एक समाज की सबके सहयोग कोऑपरेशन के साथ ही चल सकते हैं। तो इस तरह हमने जो है इक्वलिटी में आज के चैप्टर में हमने ये पढ़ा, दैट इज़ टाइप्स ऑफ इक्वलिटी हमने पढ़ी, इनइक्वलिटी हमने पढ़ी, प्रमोट कैसे इक्वलिटी को किया जाए वो हमने पढ़ा, और एफर्मेटिव एक्शंस क्या क्या होने चाहिए वो हमने पढ़े। दैट इज़ ऑल, आपका चैप्टर आज यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। थैंक्स टू ऑल।